अरे दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई ने की छापेमारी। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीबीआई ने 2022 में आयोजित लोक सेवा आयोग परीक्षा में भाई भतीजावाद के आरोपों के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में जो है 15 स्थानों में जो है छापेमारी की, और अधिकारियों ने यहाँ पर बुधवार को इसकी जानकारी दी है। तो यहाँ पर देखते हैं लोक सेवा की भर्ती में जो छापेमारी हो चुकी है। कोटाबाग के जो है नवोदय विद्यालय में से 49 और यहाँ पर छात्र छात्राओं को घर से ले गए अभिभावक। तो यहाँ पर देखते हैं घर को ले गए हैं, और बताया गया विद्यालय में जो है 17 छात्र ही यहाँ से थे। डॉक्टर नीरजा पांडे बने प्रधानाचार्य, और सीओ ने जो है जारी किया आदेश, और देखते हैं यहाँ पर प्रधानाचार्य ही चेंज हो चुके हैं। विद्यालय में जो है इस समय एक भी जो है छात्र नहीं है और सब चले गए हैं घर, बताया गया है। और 327 विद्यार्थियों में से जो है अब तक जो है 310 को जो है घर ले गए अभिभावक। तो इतने लोग जो है घर चले गए हैं, और बताया गया कि पीटीसी का गठन और हर माह जो है छात्रों की जो है काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर देखते हैं मंगलवार को ताल में बैठक किया गया कि अभिभावक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की गई, और इसमें जो है पीटीसी का जो है गठन किया गया, और हर माह में जो है छात्रों का जो है मनोचिकित्सक से परीक्षण और काउंसलिंग भी की जाएगी। बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की रिगार्डिंग, तो गेस्ट शिक्षकों का जो है यहाँ पर गुस्सा फूटा है, और सचिवालय कूच पर जो है पुलिस ने रोका और तीखी नोकझोंक। तो यहाँ पर देखते हैं विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से जो है शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का। बुधवार को गुस्सा फूट गया, और इसमें बताया गया कि यहाँ सड़कों पर जो है उतरकर जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए सचिवालय की ओर जो है कूच किया, लेकिन पुलिस ने जो है शिक्षकों को जो है सचिवालय से पहले ही यहाँ पर रोक दिया बैरिकेडिंग लगा के। कांडा के इंटर कॉलेज में जो है एक कमरे की छत गिरी। तो यहाँ पर देखते हैं कांडा इंटर कॉलेज का हाल, और बगल के कमरे में जो है मध्याह्न भोजन कर रहे बच्चों में मची भगदड़, और मंगलवार रात से यहाँ बुधवार दोपहर तक जो है हुई बारिश ने जो है लाई दिक्कतें। और देखते हैं यहाँ बारिश में बागेश्वर में अतिवृष्टि से 5 मकान ध्वस्त, 9 सड़कें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, और एक कमरा ध्वस्त कर दिया गया है बारिश की वजह से। 13 को जो है यहाँ पर तीली रोतीली, 32 को यहाँ पर आंगनबाड़ी पुरस्कार। तो यहाँ पर देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय शक्ति तीली रोतीली और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार घोषित कर दिए हैं, और इस साल जो है 13 महिलाओं को तीली रोतीली और यहाँ पर 32 को जो है आंगनबाड़ी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को देहरादून में आयोजित समारोह में उक्त पुरस्कार जो है प्रदान करेंगे, और इनके नाम हम लिखे गए हैं तिली रोटी पुरस्कार के लिए, इनके नाम लिखे गए हैं आप देखते हैं यहाँ पे। ब्लॉक प्रमुख के निरीक्षण में 2 स्कूल बंद मिले। तो भटवाड़ी ब्लॉक में जो है स्कूल बंद होने पर जो है घर लौटे छात्र, अन्य स्थानों पर भी स्कूल मिले बंद, और सीओ ने जो है गैर हाजिर शिक्षकों से जवाब मांगा। तो देखते हैं विभाग यहाँ पर निरीक्षण में दौरान बताया गया कि 2 स्कूल यहाँ पर बंद मिले, और उसको लेकर जो है जवाब हाजिर करने की बात करी। और देवी खाल कोटा स्कूल में जो है गैर हाजिर मिले गैर हाजिर शिक्षक निलंबित, वो गैर हाजिर जो शिक्षक थे वो निलंबित कर दिए गए हैं, और बिना मान्यता के चल रहे यहाँ पर स्कूल को कराए बंद। तो जो भी बिना मान्यता प्राप्त स्कूल है उनको बंद करने की बात करी गई है। शिक्षक जो 50 किलोमीटर दूर तय कर पहुंचते हैं स्कूल में, तो यहाँ भटवारी में 50 किलोमीटर दूर से तय करके स्कूल में पहुंचते हैं। आरोप तो यहाँ पर लगा है एनसीईआरटी की किताबों से जो संविधान प्रस्ताव हटाई गई। तो यहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को सरकार पर जो यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो एनसीईआरटी है इसकी कुछ पुस्तकों पर जो है संविधान की प्रस्तावना को हटाने का जो है आरोप लगाया है, और 3 छात्रों से जो है मारपीट पर जो है 11 का जो है छात्र निलंबित। तो यहाँ पर देखते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर पुरोला में बुधवार को एक सीनियर छात्र ने 3 जूनियर छात्रों के साथ जो है मारपीट कर दी, और विद्यालय में जो प्रशासन ने आरोपी छात्र को जो है स्कूल से निलंबित कर दिया गया है, और उसे जो है दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा ऐसा कहा है। अतिथि शिक्षक सचिवालय कुछ रोकने पर भड़के। तो यहाँ पर देखते हैं पुलिस से धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक, और घंटों जो है नारेबाजी और धरने के बाद जो है पुलिस ने हिरासत में लेकर जो है बाद में छोड़ दिया,
और इसमें देखते हैं कि इस तरह का यहाँ है मामला। इसमें यहाँ पर काफी तीखी नोकझोंक रही और नियमित शिक्षकों के बराबर जो है काम तो पैसा क्यों नहीं है, जो नियमित शिक्षक जितने काम करते हैं हम भी कर रहे हैं तो उनको पैसा कम क्यों दे रहा है, इसको लेकर जो है इनकी मांग है। बाकी इनकी स्थायीकरण को लेकर भी मांग चली हुई है। और बेसिक शिक्षकों की भर्ती में जो है बाहरी अपात्र डीएलएड वालों को बाहर किया जाए, तो बेसिक से भर्ती में जो है बाहरी जो कैंडिडेट हैं जो भी अपात्र हैं उनको बाहर करने की मांग की गई है। काउंसलिंग का जो है कार्यक्रम तय हो गया है, सभी अधिकारियों को जो है काउंसलिंग के दौरान सभी अभ्यर्थियों के बेहतर एक दस्तावेज के जो है बराबरी से सत्यापन करने और सख्त निर्देश दिए गए हैं, और यदि किसी स्तर पर जो है लापरवाही की बात सामने आई तो संबंधित जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर आदेश जारी करे हैं। और प्राथमिक लेवल में आपकी काउंसलिंग होना शुरू हो चुका है। बिना मान्यता के चल रहे यहाँ पर स्कूल संचालक को नोटिस, तो न्यूट एरिया में जो है जनप्रतिनिधि की शिकायत पर जो है जाँच के बाद की गई कार्रवाई। और इसमें बताया गया कि चंबा ब्लॉक के नागड़ी गांव में भी मामला है, इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है स्कूल और फिर भी यहाँ पर जो है स्कूल चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर जो है नोटिस जारी भी कर दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर जल्द जिले के जो है प्राथमिक विद्यालयों को जो है जल्द मिलेंगे 315 नए शिक्षक। तो यहाँ पर नई टेहरी में 315 पदों पर जो है नई शिक्षक भर्ती है, इस पर जो कि जल्द ही मिलने वाली है, इसकी लिस्ट हो चुकी है जारी और इस पर जो है पदों पर भर्ती होने की बात कही गई है। और सहायक अध्यापक के जिले में जो है स्वीकृत 2000 करीबन पद हैं, इसके हिसाब से 1600 पद काट रहे थे, 495 जो है रिक्त चले गए, तो सहायक अध्यापक जो ये पद इसलिए खाली हैं। इसमें प्राथमिक स्कूलों में भी देखते काफी ज्यादा पद खाली हैं, प्रधानाचार्य की काट रहे आपके 653 है जिले में और 392 जो है रिक्त पद चले हुए हैं प्रधानाध्यापक के, तो ये एलटी के हैं जो पद जो खाली इसमें बताए गए हैं, और प्राइमरी के जितने पद हैं वो भरे जा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का सचिवालय कोच पुलिस ने रोका नोकझोंक, देखते हैं किस तरह का यहाँ पर मामला हो रखा है और लास्ट में शिक्षकों को गिरफ्तार करके ले गए, बाद में छोड़ भी दे रहा है। शिक्षकों ने जो है सरकार और यहाँ पर अधिकारियों पर जो है लगाए अनदेखी का आरोप, और शिक्षक तैनाती नहीं किए तो अनशन, तो यहाँ पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को अभिभावकों की बैठक हुई और 5 शिक्षकों के तबादले के बाद उनकी जगह जो है अन्य की तैनाती न करने पर जो है नाराजगी जताई गई है। और शिक्षकों की जो है तैनाती ना होने पर जो है 12 अगस्त से कार्मिक अनशन की चेतावनी दी गई है, तो स्कूल की मांग चली हुई है, स्कूल में शिक्षक नहीं है। समर्थ पोर्टल में आवेदन करने की अनिवार्यता से हल्द्वानी के डिग्री कॉलेज में कई छात्रों को नहीं मिला दाखिला और 6769 विद्यार्थी प्रवेश के लिए जो है परेशान हो चुके हैं हल्द्वानी में। नवोदय विद्यालय में बताया गया कि आज मिलेंगे प्रधानाचार्य, तो यहाँ पर देख सकते कोटाबाग राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जहाँ पर वहाँ के पास प्रधानाचार्य जो है आज मिल जाएंगे नहीं। और अब जो है यहाँ पर 8 सितंबर को होगी पीएचडी प्रवेश परीक्षा, तो यह पीएचडी प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को प्रस्ताव परीक्षा अब प्रदेश में जो है विभिन्न केंद्रों में 8 सितंबर को होगी, तो 8 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी जो कि 11 अगस्त को रखा गया था। ब्लॉक प्रमुख के निरीक्षण के बाद 2 स्कूल बंद मिले, उन पर कार्रवाई की गई है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर, जॉब अलर्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है दिल्ली एम्स में निकाले गए हैं 170 पद, 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी राज्य सहकारी बैंक में 79 पद निकाले गए हैं, 5 सितंबर की लास्ट डेट है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक परीक्षा बोर्ड में 36 पद निकाले गए हैं, 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी पीजी सीएल में निकाले गए 95 पद, 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी अजमेर में निकाले गए 49 पद, मुर्गा पतन प्राधिकरण में 13 पद निकाले गए, अन्य पद इस तरह देख सकते हैं, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।